संबल पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से 2 महिलाओं और 40,000 की नकदी बरामद की है। जनपद संबल की कोतवाली भेजोई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नया रोडवेज बस अड्डा भेजोई के पास से अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह की महिला सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरोह के सदस्य विभिन्न स्थानों पर राज्यों से ऐसी महिलाओं व बच्चियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाते थे जो बेसहारा होते थे। इनको अपने चंगुल में फंसा कर ये लोग 50 से 2 लाख तक में सौदा कर बेच देते थे तथा बाद में जो पैसा मिलता था उनको आपस में बांट लिया करते थे। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि इन लोगों से 2 महिलाओं को भी बरामद किया गया है जिन्हें ये लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। खास बात यह है कि गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 1 महिला भी शामिल है। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। इसमें 2 पुरुष 1 महिला जो मोहम्मद सानू उर्फ सोनू और विकास शर्मा, इनके साथ 1 महिला भी शामिल है। ये तीनों लोग पकड़े गए हैं बहजोई नया रोड बस अड्डा से। इनसे गहन पूछताछ की गई थी। इन लोगों ने बताया कि लगातार ये लोग कुछ ऐसे टारगेट फिक्स कर रखे थे कि गांव में या कस्बाई क्षेत्र में लोगों को संपर्क करते थे, उनसे संपर्क करके जो महिलाएं इनके संपर्क में पहले से होती थी उनको ये लोग शादी का झांसा दे करके या तो शादी करा देते थे या शादी के लिए तैयार करते थे और ऐसे आदमियों से पैसे 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जैसा क्लाइंट इनको मिलता था उसी हिसाब से ये उनसे पैसे ले लेते थे। 1-2 लाख रुपए ले करके उनसे कुछ तो शादी करा देते थे, कुछ केवल मंगनी वगैरह करा करके, और बाद में इन लड़कियों को वापस बुला लेते थे या फिर उनके यहाँ जा करके कि तुम्हारे यहाँ लड़की हमारी सही से नहीं रह रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और जिस लड़की की शादी कराए होते थे उसको वापस ले आते थे। इस तरीके से लगातार ये गिरोह के रूप में लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा था। अब इसमें बागपत, हरियाणा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, तमाम जगहों पे ये लोग लड़कियों को बेचते थे। अभी ये पूरा गैंग पकड़ा गया है और इनके पास से ऑडियो वीडियो विजुअल्स भी बरामद हुए हैं जिसमें लड़कियों का सौदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके गिरफ्तारी सुनिश्चित करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।